राधे राधे वॉच एवर यू फील कनेक्टेड विद अस ऑन अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन को स्टार्ट करते हैं।, देखते हैं, कैसे में पूछे आते हैं तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों अगर हम आगे बात करें पे, पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन के सामने दोस्तों है और ये क्वेश्चन को हम टारगेट कर रहे हैं और पार्ट ट्वेंटी वन आज है पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन के सामने है इज विंडो यूटिलिटी प्रोग्राम दैट लोकेट्स एंड एलिमिनेट्स एंड अरेंज फाइल्स एंड अनयूज डिस्क स्पेस टू ऑप्टिमाइज ऑपरेशन क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों आपसे ध्यान दीजिएगा जितने लोग क्लास यहां पे अटेंड कर रहे हैं कि आपको बताना है ठीक है ठीक है एक विंडो यूटिलिटी प्रोग्राम है जो अनावश्यक टुकड़ों का पता लगाता है और हटाता है और संचालन को अनुकूलित करने के लिए फाइलों और अप्रयुक्त डिस्क स्थान को पुनर्व्यवस्थित करता है तो आपको बताना है दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा डिस्क डिफ्रेगमेंटर हो जाएगा री हो जाएगा डिस्क क्लीनअप हो जाएगा और बैकअप हो जाएगा इसका आंसर मुझे फटाफट बताइए दोस्तों आप लोग जानकारी के लिए बता दो दोस्तों इसको हम लोग कहते हैं डिस्क डी सॉफ्टवेयर डिस्क सॉफ्टवेयर बोलते हैं एक विंडो यूटिलिटी पुनर्व्यवस्थित करता है उसे हम लोग डिस्क डिफ्रेगमेंटर सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं देखो ये हमारा दोस्तों क्या होता है आपको बता दो जानकारी के लिए ये हमारा एक डिस्क है ये हमारा फ्रेगमेंटेड पार्ट है कि जो फाइलें डिस्क में हैं। वो टुकड़ों टुकड़ों में इधर उधर पड़ी हुई यहाँ पड़ी है यहाँ पड़ी है यहाँ पड़ी है इसको हमें डी फ्रेगमेंट करना है मतलब एक जगह पे इसको हमें क्या करना है अरेंज करना है एक सिस्टमेटिक वे में अरेंज करना है तो फ्रेगमेंटेड वाला पार्ट जो होता है हमारा डी फ्रेगमेंट हो जाता है कैलाश सिंह जी भैया गुड मॉर्निंग शिवराज सिंह जी भैया एम पी जी एंड शनाखान मैम सबका आंसर देखो आ गया है रूपाली तिवारी जी अच्छा कल का पी डी एफ आपको मिल गया था कि नहीं मिला था कल के क्लास का पीडीएफ मैंने शायद आपको भेज दिया था टेलीग्राम चैनल ग्रुप में टेलीग्राम चैनल का नाम धीरेन्द और ऑफिशियल है वहां मैंने भेज दिया था तो वहां से एक बार आप कलेक्ट कर कलेक्ट कर लीजिएगा अपने क्लास के पीडीएफ को ठीक है ना अगला क्वेश्चन आपके सामने है विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर हेल्प्स टू स्टोर इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर का कौन सा पार्ट होता है जो इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए यूज होता है आपको बताना है दोस्तों कंप्यूटर का कौन सा पार्ट होता है जो इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए यूज होता है उसका नाम बताइए फटाफट आप लोग देखो जितने लोग पहले तो क्लास कर रहे हैं सब लोग लाइक कर दें है ना जितने लोग क्लास कर रहे हैं लोग लाइक देखो ड्राइव हो जाएगा डिस्क ड्राइव आपका आंसर हो जाएगा ये लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करता है लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करता है ठीक है आंसर आपका डिस्क ड्राइव अगला प्रश्न आपके सामने है इन एनी विंडो द मैक्सिमाइज़ बटन द मिनमाइज बटन एंड द क्लोज बटन अपीयर ऑन किसी भी विंडो में मैक्सिमाइज़ बटन मिनिमम मिनमाइज बटन और क्लोज बटन दिखाई देता है कहाँ दिखाई देता है टाइटल बार पे टूल बार पे टाइटल बार पे मेनू बार पे स्टेटस बार पे कहाँ दिखाई देता है

टाइटल बार के टॉप कॉर्नर राइट साइड में होता है और दोस्तों मैं आपको बता दूं इसी को आप क्या बोलते हो कंट्रोल बटन बोलते हो या आपका, रिस्टोर, या आपका रिस्टोर और मैक्सिमाइज और तीन बटन होते हैं एमएस डॉस सपोर्ट्स फाइल नेम्स अप टू करेक्टर्स इन थोड़ा क्वेश्चन आपके लिए टेक्निकल होगा एम एस डॉस सपोर्ट्स फाइल्स नेम्स अप टू करेक्टर्स इन लेंथ

और ये आठ कैरेक्टर को सपोर्ट करता है एट कैरेक्टर को सपोर्ट करता है ये देखो डॉस के कुछ चीजें कमांड्स दिया गया जैसे सी कमांड का यूज क्यों करते हैं चेंज डायरेक्टरी को चेंज करने के लिए सेल कमांड का यूज करते हैं चीजों को क्लियर करने के लिए साफ करने के लिए कॉपी का कमांड का यूज कॉपी मतलब जैसे हम लोग अभी क्या करते हैं अगर हमको नया डायरेक्टरी बनाना हो राइट क्लिक करते हैं माउस से राइट क्लिक करके न्यू फोल्डर पर बना लेते हैं ये करते हैं ना लेकिन डॉस में हमको कमांड देना पड़ता है सी कमांड सेल कमांड कॉपी कमांड अलग अलग कमांड देना पड़ता है Per minute, कितना per में कर रहा है वो तो छत्तीस सौ रोटेशन पर मिनट हार्ड डिस्क का जो होता है हार्ड डिस्क होता है छत्तीस सौ रोटेशन पर मिनट में क्या करता है चीजों को स्टोर करता है स्पीड होती है देखो हर चीज की स्पीड होती है आप गाड़ी चलाते हो जैसे उसकी स्पीड होती है मेजरमेंट करते हो किलोमीटर पर आवर में इंटरनेट चलाते हो उसकी स्पीड होती है मेजरमेंट करते हो बीपीएस में बीट्स पर सेकंड किलो बीट्स पर सेकंड मेगा बिट्स पर सेकंड कंप्यूटर की स्पीड एच कंप्यूटर चलाते हो उसकी स्पीड जो होती है वो मेजरमेंट करते हो एम में मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड मेगा गीगा हट्स में याद है आपको है ना मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड बिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड उसे डिस्क में आरपीएम कितने स्पीड से डेटा को होल्ड कर रहा है स्टोर कर रहा है छत्तीस सौ आरपीएम होता है विंडोज 95, विंडोज 98, विंडोज NT आर नोन एज विंडोज 95, विंडोज 98, विंडोज NT किस रूप में जाना जाता है ओएस के रूप में मॉडर्म्स के रूप में डोमेन नेम्स के प्रोसेसर के रूप में सर ऑनलाइन क्लास लेनी है अच्छा स्टाइलिस जी स्टाइलिस जी देखिए इसमें अपडेट रहिए आप क्लास यहां चलता रहता है ओम नमः शिवाय मैम नहीं है भैया हे भगवान विनू मिश्रा जी ने हमको मैम बना दिया बोला ओम नम शिवाय मैम अरे हम आपको बोल रहे हैं ओम मैम स्टाइल शिवम जी आप यहां पे देखिए क्लास चलती रहती है आप जो इस एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं आप अगर यहां पे देखिए क्लासेस चलती रहती हैं आप शेड्यूल एक बार सर्च करिए है।, है ना देखो आपको पता है विंडोज 95 विंडोज 98 विंडोज NT ये सारे हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं ये सारे हमारे क्या होते हैं दोस्तों ओएस होते हैं है ना विडोज विंडोज फाइव

देखो दोस्तों मैक्सिमाइज विंडो का जो होता है एक्सपेंड इट टू फिट द डेस्कटॉप यहां पे एक्सपेंड करने के लिए जो होता है ये आपका एक्सपेंड विंडो को अधिकतम करने का तात्पर्य ता, ता, क्या होता है डेस्कटॉप फिट करने के लिए इसका विस्तार करना है ना तो विंडो को अधिकतम करने का अर्थ क्या होता है डेस्कटॉप को फिट करने के लिए इसका विस्तार करना इसको एक्सपेंड करना आर दोस कंप्यूटर स्विच प्रोवाइड रिसोर्सेज टू अदर कंप्यूटर्स कनेक्टेड बाय नेटवर्क वे कंप्यूटर हैं जो नेटवर्क से जुड़े अन्य कंप्यूटर को संसाधन प्रदान करते हैं आप उन कंप्यूटर्स का नाम बताइए जो नेटवर्क से जुड़े हुए कंप्यूटर को संसाधन प्रदान करते हैं रिसोर्सेस प्रोवाइड करते हैं उन कंप्यूटर का मतलब नाम क्या है उन कंप्यूटर का मतलब क्या होता है हाँ जी बिल्कुल चलिए दोस्तों उसे हम सर्वर बोलते हैं आपको पता होगा सर्वर वो पावरफुल कंप्यूटर होते हैं जो तो सर्वर होते हैं वो पावरफुल कंप्यूटर होते हैं दोस्तों सर्वर वो पावरफुल कंप्यूटर होते हैं जिनका प्रयोग हम क्यों करते हैं नेटवर्क में सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए करते हैं हमारा जो सर्वर होता है वो क्लाइंट के रिक्वेस्ट को रिस्पांस करता है क्लाइंट के द्वारा रिक्वेस्ट किए गए जो क्लाइंट रिक्वेस्ट करते हैं उनको रिस्पांस करता है वो सर्वर कहलाता है ठीक है अगला प्रश्न आपके सामने है वेरियस एप्लीकेशंस एंड डॉक्यूमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड ऑन द विंडोज डेस्कटॉप बाई जो विंडोज के डेस्कटॉप पे आपको विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम या विभिन्न प्रकार के डॉक्यूमेंट्स दिखते हैं उनका प्रतिनिधित्व कौन करता है उनको रिप्रेजेंट कौन करता है ग्राफ्स लेवल आइकन या सिंबल आंसर दीजिए देखिए उसे हम आइकन बोलते हैं सिंबल नहीं बोलते हैं भैया जो छोटे छोटे प्रोग्राम होते हैं आपको डेस्कटॉप पे दिखते हैं देखो आइकन क्या होता है स्मॉल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी प्रोग्राम स्मॉल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी प्रोग्राम किसी प्रोग्राम का स्मॉल रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो हमारा आइकन कहलाता है

नेक्स्ट कैरेक्टर विल अपियर एट विच प्लेस इज कॉल्ड जो ब्लिंकिंग सिंबल होता है जो ब्लिंकिंग सिंबल uh, होता है हमारे सिस्टम uh, प्रोग्राम में उन ब्लिंकिंग सिंबल को हम क्या बोलते हैं जो नेक्स्ट कैरेक्टर को डिनोट करता है उस ब्लिंकिंग सिंबल को हम क्या बोलते हैं तो उन ब्लिंकिंग सिंबल को हम कर्सर के नाम जानते हैं ये जो स्मॉल वर्टिकल लाइन होता है ये जो स्मॉल वर्टिकल लाइन नहीं होता है स्मॉल वर्टिकल लाइन होता है स्मॉल वर्टिकल लाइन होता है जो ब्लिंक करता रहता है ना ब्लिंक करता रहता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं कर्सर के नाम जानते हैं कर्सर बोलते हैं ना इसे हम लोग कर्सर बोलते हैं हाँ। कुमकुम अग्रवाल जी अच्छा कुमकुम भाग्य मुझे दिखा नाराथ सिंह जी रूपाली तिवारी जी वीनु जी वीनू मिश्रा जी शना खान जी कांति जी, जी। कर्सर बोलते हैं और ये माउस का जो एरो होता है ना ये पॉइंटर कहलाता है कुछ लोग इसको कर्सर बोलते हैं पता है मैंने देखा है कुछ लोग इस माउस के पॉइंटर को माउस के एरो को कर्सर बोलते हैं तो माउस का जो एरो होता है ये कर्सर नहीं होता है ये पॉइंटर कहलाता है ये पॉइंट करता है ठीक है ये पॉइंटर होता है एप्लीकेशंस आर ऑफन रिफर्ड टू एज जो एप्लीकेशंस होते हैं उनको हम क्या कहते हैं ओएस कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं एक्जीक्यूटिवल फाइल्स कहते हैं डेटा फाइल्स कहते हैं एप्लीकेशंस को हम क्या बोलते हैं

इनपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर में प्रिंट करता है डायग्राम को कंप्यूटर की बात कर रहा है वो ऋषभ सिंह जी विनू मिश्रा जी कांति जी कैलाश सिंह जी कुमकुम जी आंसर क्या दे रहे हो इनपुट डिवाइस है तो पहले तो जान लो प्रिंटर जो होता है या आउटपुट डिवाइस होता है तो तो इनपुट डिवाइस होता नहीं है और यहां क्या करता है यह हार्ड कॉपी को यह हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करता है तो जो हमारा प्रिंटर होता है वो हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करता है माउस जो होता है इनपुट लेकिन स्कैनर जो होता है वो सॉफ्ट कॉपी को सॉरी अरे मैंने उल्टा बोल दिया यार चाहता हूं मैं जो प्रिंटर होता है हमारा ये सॉफ्ट कॉपी को देखो उल्टा बोल दिया उल्टा पोल्टा डॉट कॉम हो गया है देखो पता नहीं क्या देखो प्रिंटर जो हमारा होता है क्या करता है दोस्तों प्रिंटर जो हमारा होता है ये हमारा सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में सॉफ्ट कॉपी को सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करता है जो हमारे सिस्टम पे दिखता है हमारे सामने हार्ड कॉपी के फॉर्म में देता है और स्कैनर होता है ये उल्टा काम करता है हार्ड कॉपी को हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करता है तो डायग्राम जो भी प्रिंटेड फॉर्म होते हैं उनको आपका जो है स्कैनर क्या करता है आपके सिस्टम में इनपुट कराता है ठीक है ना देखो स्कैनर हो जाएगा ट नहीं होगा भाई अरे कैलाश सिंह जी प्रिंटर आउटपुट डिवाइस होता है यहां बोला गया इनपुट डिवाइस जो कंप्यूटर में के इनपुट तो कंप्यूटर में तो वो डायग्राम कौन देगा स्कैनर देगा ना विच ऑफ द फॉलोइंग ओएस इज नॉट ओन्ड एंड लाइसेंस बाय अ कंपनी कौन सा ओएस है जो किसी कंपनी से बिलोंग नहीं करता लाइसेंस नहीं उसके उसको लाइसेंस लेने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती आपको बताना है उन ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम किसी कंपनी के स्वामित्व और लाइसेंस प्राप्त नहीं करता है विंडोज मैकोस ओमैक। देखो लाइनेक्स जो आपका होता है किसी कंपनी से बिलोंग नहीं करता ये ओपन सोर्स होता है दोस्तों है ना दोस्तों जो हमारा लाइनेक्स होता है ये ओपन सोर्स ओएस होता है क्या होता है लाइनेक्स जो होता है ओपन सोर्स ओएस होता है है ना देखो सभी लोग आ गए जितने लोग क्लास कर रहे हो एटलीस्ट मेरे भाई लाइक तो कर दो लाइक शेयर कर दो ताबड़ोड़ तरीके से जरा ताकि हमको भी लगे कि यहां, हमारे शेर शेर नहीं, यहां पे मध्य प्रदेश के सभी लोग हैं भाई क्लास कर रहे हैं तो लाइन क्या होता है वो ओपन सोर्स होता है विंडोज किसका है आपको पता है विंडोज मैक विंडोज जो होता है देखो मैक दो बार दिया है खैर विंडोज जो होता है ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है तो विंडोज तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है जो मैक होता है ये एप्पल का है मैक तो एप्पल कंपनी का है क्स जो हमारा है ओपन सोर्स है ठीक है फाइल द साइज ऑफ द फाइल सो इट रिक्वायर्स लेस स्टोरेज स्पेस दोस्तों प्रश्न पूछा गया है कि आप उस फाइल के आकार को छोटा करते हो इसलिए उसे कम संग्रहण स्थान की आवश्यकता होती है मतलब किस फाइल के आकार को आप छोटा करते हो जिसे कम फाइल हाँ ड्रीम अच्छा काफी दिन बाद दिखाई दे रहे भाई ड्रीम गर्ल अच्छा ठीक है गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग जी काफी लेट में आई हूँ अच्छा आजकल वो नहीं आ रही डेली ब्लॉग भी सच्ची करके आती थी एक, कर, एक लड़की डेली ब्लॉग भी सच्ची रोशनी ये सब क्लास करने नहीं आ रही आजकल दीनानाथ सिंह जी तो खैर चलो आजकल आ रहे हैं दीनानाथ सिंह जी भी बीच में गायब हो गए थे हाँ देखो उसे हम बोलते हैं कंप्रेशन कंप्रेशन बोलते हैं साइज को कम करना जैसे आप कहते हो किसी फाइल को कोई फाइल लार्ज फाइल की है और आप उसको कुछ अपलोड कर रहे हो तो अपलोड नहीं हो रहा है बोल रहा है कि इसका रेजुलेशन कम करो इसकी साइज कम करो इसको कंप्रेस करो तो कंप्रेस कर सॉफ्टवेयर मतलब हो कितने, कितने होते हैं ये सारे सॉफ्टवेयर जो आपको दिख रहे हैं कंप्रेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं सेवन जिप विनर विन जिप पी जिप जिपेयर इस सारे हमारे जो होते हैं इस सारे हमारे क्या होते हैं पंद्रह फिफ्टीन बेस्ट फाइल कंप्रेशन टूल फॉर विंडोज ये विंडोज के हमारे क्या होते हैं कंप्रेशन सॉफ्टवेयर होते हैं कंप्रेशन फाइल्स होते हैं हाँ कंप्रेस कंप्रेस compress के लिए यूज होते हैं ये सारे कंप्रेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं

तो सर्कल बोला गया डिस्क में जो कंसेंट्रिक प्लेटर इन कंसेंट्रिक सेट्स ऑफ रिंग कॉल्ड रिंग जो होता है उसको हम ट्रैक कहते हैं और जो ये कटा हुआ भाग होता है ये ये छोटा छोटा ब्लॉक होता है इस ब्लॉक को हम सेक्टर बोलते हैं ब्लॉक को हम कहते हैं सेक्टर ब्लॉक सेक्टर ए सेक्टर बी ब्लॉक ए ब्लॉक बी है सबका आंसर सही है इसे हम ट्रैक के नाम से जानते हैं वाओ माय डियर फ्रेंड्स यू ऑल आर अमेजिंग एंड डूइंग ग्रेट जॉब अमेजिंग अगला क्वेश्चन है देखो क्वेश्चन से पहले यहां पे देख सकते हो पूरा डायग्राम आपका है ट्रैक का सेक्टर का एक क्लस्टर अच्छा बताया था आपको ट्रैक क्या होता है सर्कल होता है सेक्टर क्या होता है ये ब्लॉक होता है और क्लस्टर क्या होता है तो ग्रुप ऑफ सेक्टर जो होता है क्लस्टर कहलाता है तो ग्रुप ऑफ सेक्टर को हम क्लस्टर कहते हैं और ग्रुप ऑफ ट्रैक को हम क्या कहते हैं ग्रुप ऑफ ट्रैक को हम सिलेंडर कहते हैं तो ग्रुप ऑफ ट्रैक को हम सिलेंडर कहते हैं ग्रुप ऑफ ट्रैक को सिलेंडर कहते हैं और ग्रुप ऑफ सेक्टर को क्लस्टर कहते हैं डिस्क डिस्क लॉजिकल डायग्राम होता होता है है हार्ड ऐसे आपका द नेम फॉर द वे दैट कंप्यूटर मैनिपुलेट डेटा इन टू इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड जिस तरह से कंप्यूटर डेटा को सूचना में हेरफेर करता है उसको क्या कहते हैं हाँ कल मैंने बताया था वाओ चलो अच्छी बात है आपको याद है भाई कुमकुम अग्रवाल जी गजब ये मुझे अच्छा लगा कि मैंने कल बताया था और आप लोगों को याद है ठीक है आप लोगों ने दोस्तों अच्छा <coughs> बहुत बढ़िया मतलब रेगुलर क्लास जो लोग करते हैं उनको मतलब समझ में धीरे धीरे चीजें आ रही हैं अच्छा लग रहा है मुझे रेली आप लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ को जरूर ले लिया करिए आप ये पीडीएफ क्लास के बाद टेलीग्राम पे भेज देता हूं मैं ठीक है टेलीग्राम चैनल का नाम मैंने बता दिया है ऑफिशियल सर्च कर लीजिएगा वहां पे आपको मैं प्रोवाइड कर दिया करूंगा आरू पाटले जी वाह भाई आरू पाटले जी कहां गायब हो आज आप काफी लेट आ रही हो इसे हम बोलते हैं प्रोसेसिंग बोलते हैं प्रोसेसिंग क्या होता है दोस्तों जो प्रोसेसिंग होता है आपका प्रोसेसिंग क्या होता है मतलब इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करना इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करना जो होता है प्रोसेसिंग कहलाता है ये प्रोसेसिंग होता है आपका ठीक है टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स दैट हैव बीन आउट ऑफ कॉपीड आर स्टोर्ड इन एरिया कॉल्ड द टेक्स्ट और ग्राफिक्स जो कॉपी से बाहर हो गए हैं उसे आप क्या बोलते हो टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स दैट हैव बीन आउट ऑफ कॉपीड आर स्टोर्ड इन एरिया उसे आप क्या बोलते हो वो टेक्स्ट और ग्राफिक जो कॉपी हो चुके हैं स्टोर्ड इन एरिया वो कहां पे स्टोर होते हैं हम्म देखो भाई आपको पता है कोई चीज हम कट करते हैं कोई चीज हम कॉपी करते हैं वो कहां जाता है बाबू कट का शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एक्स होता है कॉपी का शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस सी होता है और पेस्ट का शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस वी होता है जब कट करते हैं कॉपी करते हैं तो क्लिप बोर्ड में जाता है पता है आपको क्लिप बोर्ड में जाता है कोई भी चीज कट करते हैं कोई भी चीज कॉपी करते हैं दोस्तों वो कहां जाता है तो आंसर सर वो क्लिप बोर्ड में जाता है ठीक है अ सेट ऑफ चॉइस ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड स्क्रीन पर विकल्पों का एक सेट क्या कहलाता है दोस्तों स्क्रीन पे विकल्पों का सेट क्या कहलाता है स्क्रीन पे विकल्पों का सेट देखो स्क्रीन पे विकल्पों का सेट दोस्तों मेनू कहलाता है उसे हम बोलते हैं मेनू मेनू क्या होता है वो कलेक्शन ऑफ कमांड होता है कलेक्शन ऑफ कमांड होता है आपको पता होगा बहुत सारे कमांड किसके अंदर होते हैं मेनू के अंदर होते हैं ठीक है ना सीपीयू प्रोसेसिंग पावर इज मेजर्ड इन सीपीयू की जो प्रोसेसिंग पावर होती है उसको हम किसमें मेजर करते हैं सीपीयू की जो प्रोसेसिंग पावर होती है उसको हम किसमें मेजर करते हैं दोस्तों बताना है आपको पी एमआईपीएस मेजर करते हैं और एमआईपीएस मतलब क्या होता है मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड होता है मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड होता है एमआईपीएस एमआईपीएस का फुल फॉर्म होता है मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड ठीक है कंप्रेशन ऑफ डिजिटल डेटा फॉर एफिशियंट स्टोरेज इज आपको बताना है कुशल कुशल भंडारण के लिए डिजिटल डेटा को का संपीडन क्या कहलाता है कुशल भंडारण के लिए डिजिटल डेटा का संपीडन क्या कहलाता है कंप्रेशन ऑफ डिजिटल डेटा फॉर एफिशिएंट स्टोरेज इज़ इजे हम लोग पैकिंग बोलते हैं पैकिंग क्या बोलते हैं पैकिंग बोलते हैं पैकिंग बोलते हैं ठीक है ना पैकिंग बोलते हैं दोस्तों ध्यान दीजिएगा जितने लोग क्लास यहां पर अटेंड कर रहे हैं हो गया और भी क्वेश्चन है ना और क्वेश्चन को हम कल डिस्कस कर लेंगे आपसे आज के दोस्तों इतना रखते हैं चूंकि आपका मैनेजमेंट वाला क्लास होने वाला होगा है ना आपका कौन सा क्लास होने वाला होगा दोस्तों मैनेजमेंट वाला तो तक तो मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूं ठीक है ध्यान दीजिएगा दोस्तों ये पता है आपको कि आपका पेड बैच कल से स्टार्ट हो गया होगा आप लोगों ने मेरा कल शॉर्ट्स भी देखा होगा यहाँ पे मध्य प्रदेश अड्डा के चैनल चैनल पर दोस्तों मेरा कल शॉर्ट्स देखा होगा आप लोगों ने देखा कि नहीं देखा उससे मैंने आपको शॉर्ट्स में कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया है दोस्तों ये ध्यान दीजिएगा ये अड्डा टू फोर सेवन का ऑफिशियल वेबसाइट है

लेकिन बाई नो पे आप जब क्लिक करोगे तो बाई नो पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे कोड दिखेगा मतलब दिएगा टाइप करना रहेगा तीन सौ तिहत्तर कूपन कोड अगर आपको बैच लेना है मैं कहता हूं अभी ऑफर चल रहा है अभी आप अगर लेना चाहते हैं तो ले लीजिए आप लोग ठीक है हाँ बता रहा हूं मैं आपको तो वाई तीन कोड के बाद अप्लाई कर दोगे आप जो अप्लाई कर दोगे तो आपका जो तीन हजार एक सौ निन्यानवे रुपए से कोर्स होगा मात्र तो सात सौ पैंतीस रुपए में आ जाएगा सात सौ में आप इस बैच को ले सकते हो देखो दीना सिंह जी कह रहे हैं सर आप बहुत कम पढ़ाते हो यार देखो एक्चुअली समस्या ये है ना देखो अभी सर इस टाइम आप में भी साइंस की क्लास है हाँ देखो मैं आपको बता दू पहले ध्यान दीजिएगा दीना सिंह जी थोड़े दिन बाद मेरी कम, क्लास एक घंटे की होगी ये भी मेरे साइड से नहीं है ये मैनेजमेंट की साइड से है ठीक है ना तो मैं कम अच्छा आपको याद होगा जब पहले मैं 11 बजे आता था तो 11 से 12 एक घंटे पढ़ाता था याद है आपको कि नहीं याद है मतलब आज से तो पढ़ा नहीं रहा हूं मैं और आपको पता होगा शुरुआत दौर में हम लोग ग्यारह से बारह पढ़ते थे ना एक घंटे तो अभी तो दस से साढ़े दस क्लास केवल हो रहा है तो अभी टाइम का थोड़ा शॉर्टेज है इसलिए अब देखो आधे घंटे में मैंने बीस क्वेश्चन कराया है आधे घंटे में अगर आप देखो तो आधे घंटे में नहीं कह सकते सब क्वेश्चन नहीं कराया है सोचो तो आधे घंटे में मैंने बीस क्वेश्चन बीसो क्वेश्चन को मैंने बीसो क्वेश्चन को मैंने डिटेल में डिस्कस किया है इस बीसों क्वेश्चन को मैंने डिटेल में डिस्कस किया अगर कोई क्लास कर लेगा तो इन क्वेश्चन से संबंधित कोई प्रश्न अगर एग्जाम में आएगा क्वेश्चन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो इजिली आप कर पाओगे मैं दावे कह तो तो याद रखना या कोड है वाई तीन सौ तिहत्तर कोड है इस कोड को अप्लाई करके आप डिस्काउंट पा सकते हो ठीक इस टाइम ऐप में साइंस क्लास होती है सर ठीक है भाई हाँ तब सही है सर बहुत मजा आएगा एक घंटे में हाँ हाँ एक घंटा आएगा बाबू परेशान अरे आप भूल गए क्या ग्यारह से बारह हम लोग एक घंटा मिलते थे कि नहीं मिलते थे पहले ग्यारह से बारह मेरा क्लास होता था यूट्यूब पे अब आते थे आप आप होते थे सना खान होती थी वो सची एक लड़की होती थी सची आ, होती थी और कौन होता था वो एक लड़का आता था जो कहता था एक कौन था लड़का एक आता था जो किसी कहता था मैं उस मैम का मैम मेरी क्रश है करके आता नहीं था एक लड़का पहले मतलब आता नहीं था क्लास में आद है तो आता था खैर चलिए दोस्तों तो हाँ सर याद है चलिए तो आज के दोस्तों इतना ही बाकी अपना ख्याल रखिए अपनों ख्याल रखिए पढ़ाई करते रहिए स्वस्थ रहिए मस्त रहिए व्यस्त रहिए बाकी हम मुलाकात दोस्तों आपसे करते रहेंगे और पेड बैच में आप जो है आ, हमारा बैच स्टार्ट होगा जनवरी से लेकिन अभी आप पेड बैच आए तो पेड बैच में आप इनमेंट करा सकते हैं बाय टेक केयर नमस्कार जय हिंद जय भारत वंदे मातरम दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों